Hello friends, and very warm welcome to Chicky's Biology, another video. In this video, today we will discuss about top 5 labs or institutes for bioinformatics and computational biology in India. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर कनेक्ट रहें. और फ्रेंड्स, आज हम लोग उन टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स और लैब्स की बात करेंगे जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इंडिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं. और अगर फ्रेंड्स आप लोग अपना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या आप अपना कोई कोर्स करना चाहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स इन इंस्टीट्यूट्स में या इन कॉलेजेस में या इन लैब्स में आप लोगों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी रिलेटेड टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, जो लैब है, वो है द स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस, JNU, न्यू दिल्ली. और फ्रेंड्स, ये एक अच्छा एक लैब मानी जाती है या एक अच्छा एक डिपार्टमेंट माना जाता है JNU का, जहाँ पे आप लोग जो हैं अपना बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का कोई कोर्स या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं या इंटर्नशिप कर सकते हैं. उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट है या जो लैब है, वो है नेशनल नेटवर्क फॉर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. और फ्रेंड्स, ये IISc बेंगलोर में है. इसको इन शॉर्ट हम लोग NNMCBB बोलते हैं. और फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट माना जाता है इंडिया में बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च के लिए या फिर समर इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स के लिए. उसके बाद जो है यहाँ पे जो नेक्स्ट लैब है या इंस्टीट्यूट है, वो है सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, IIT दिल्ली. तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे लैब है या इंस्टीट्यूट है, वो है इनिशिएटिव फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, IIT मद्रास. नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है, वो है CDFD हैदराबाद. और फ्रेंड्स, यहाँ की जो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी रिसर्च में. या कोर्सेज भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे, लाइक जैसे PhD या अदर कोर्सेज. उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है, वो है द बायोफिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी लैब, IIT बॉम्बे. ये भी एक बहुत अच्छा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का लैब यहाँ पे है या बायोफिजिक्स की यहाँ पे लैब है. और यहाँ से भी आप लोग जो हैं अपने बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के प्रोजेक्ट्स या कोर्सेज कर सकते हैं, या बायोइन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में वहाँ पे आप लोग जो हैं बहुत सारे रिसर्च जो इंटर्नशिप है या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ज्वाइन हो सकते हैं. सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे लैब है, जो इंस्टीट्यूट है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेंगलोर. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं. आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी. इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ का जो आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा, जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊँगा, नोटिफिकेशन तभी जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को वहाँ पे प्रेस कर दिया. थैंक यू फ्रेंड्स.